मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली का शाहीन बाग जहां महिलाएं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, तो अब शाहीन बाग प्रोटेस्ट को राजनीति रंग और हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने सीलमपुर जामिया या फिर शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को बताया है कि ये संयोग नहीं प्रयोग है। राजनीति का डिजाइन बताते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया है। सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। सुना आपने, जो महिलाएं अपने संविधान के लिए लड़ रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संयोग नहीं प्रयोग कह रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, हाथों में तिरंगा लेकर संविधान बचाने की लड़ाई ये महिलाएं लड़ रही हैं। शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन पर बीजेपी के नेताओं का विवादित बयान भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी नेता गोली मारने की बात करते हैं, यानी भारत में अपने हक की लड़ाई लड़ना भी गुनाह हो गया है। वो महिलाएं जो अपने घरों में रहती थीं, आज इस कानून को वापस लेने की मांग पर सड़कों पर आ गई हैं और ये सरकार के नुमाइंदे इन्हें देश के गद्दार कहते हैं, आज़ादी के नाम पर गोली मारने की बात करते हैं। कश्मीर बंद पड़ा है महीनों से, मगर इसकी फिक्र इन्हें नहीं है। लेकिन दिल्ली से नोएडा जाने वाले रोड पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी बहुत फिक्र है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली की जनता से साजिश रचने वालों की ताकत रोकने की बात कर रहे हैं, मगर जनाब दिल्ली की जनता है जो सब जानती है। सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन ये लोग अदालतों की परवाह नहीं करते हैं, ये कोर्ट की बात ही नहीं मानते और बातें करते हैं संविधान की। जिस संविधान ने न्यायपालिका को बनाया और न्यायपालिका जो कह रही है उसको मानने को तैयार नहीं, और दुनिया को संविधान दिखा रहे हो। अब देखिए इस वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों को दिल्ली की जनता इसे देख भी रही है, समझ भी रही है, वो चुप है, साइलेंट है और वोट बैंक की इस राजनीति को देखकर दिल्ली का नागरिक गुस्से में भी है। साथियों, इस मानसिकता को यहीं रोकना जरूरी है। साजिश रचने वालों की ताकत बढ़ी तो फिर कल किसी और सड़क, किसी और गली को रोका जाएगा। हम दिल्ली को इस अराजकता में नहीं छोड़ सकते। इसको रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते हैं। भाजपा को दिया
हर वोट ये करने की ताकत रखता है, वही कर सकता है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता अब साजिश रचने वाले ताकत को जरूर रोकेगी, और दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, वो जानती है कि किसे रोकना है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।